dear student, assalamu alaikum. I am your physics teacher. My name is Kheel Anjo. Today we will discuss numerical 13.3. 13.3 numerical को हम लोग solve करने लगे हैं. इसमें हमें जो statement है मैं उसको पढ़ रहा हूँ. The force of repulsion between two identical point charges is 0.8 newton when the charges are 0.1 meter apart. Find the value of each charge. हमने क्या कर लिया? Find करना. इसी स्टेटमेंट को देखकर हम लोग डेटा लिखते हैं. फोर्स को हम एफ से डाल करेंगे, वो हमें 0.8 न्यूटन गिवन है. डिस्टेंस है 0.1 मीटर. अब इस स्टेटमेंट के अंदर गिवन है चार्जेस जो है आइडेंटिकल है. अगर एक जैसे हैं तो Q1 और Q2 जो है वो Q के इक्वल लेंगे. चार्ज और एक पार्टिकल Q हमको क्या करना है? फाइंड करना है. अकॉर्डिंग टू कूलम्ब लॉ हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है Q1 Q2 और आर स्क्वायर. यहाँ पर क्योंकि चार्जेस Q1 और Q2 की वैल्यू हमें Q के इक्वल गिवन है, तो हम लोग Q1 और Q2 की वैल्यू Q के इक्वल जो है इस स्टेटमेंट में पुट करेंगे. तो Q1 की जगह Q आ जाएगा, Q2 की जगह भी Q आ जाएगा. इट मीन एस इज इक्वल टू Q मल्टीप्लाई Q ओवर आर स्क्वायर. एस इज इक्वल टू Q पावर स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर. यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे. उसके बाद हमको क्या करेंगे, इन वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा 0.8 मल्टीप्लाई 0.01 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 10 रे टू पावर 9. जब आप 0.8 को 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 10 रे टू पावर माइनस 3 आ जाएगा. तब के नीचे प्लस की 9 पावर ऊपर आके माइनस की हो जाएगी. 8 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे डेट विल बी इक्वल टू 0.889 मल्टीप्लाई 10 रे टू पावर माइनस 12 आ जाएगा. हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्यू फाइंड करना है चार्ज ऑन ईच पार्टिकल. तो हम लोग इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट बोथ साइड पर ले लेंगे. क्यू इज इक्वल टू हमारे पास 0.89 का स्क्वायर रूट जो आएगा वो आएगा 0.942 मल्टीप्लाई और माइनस 12 का स्क्वायर रूट -6 आ जाएगा. हम लोग इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए 9.42 मल्टीप्लाई हमारे पास जो है पावर ए इधर इंक्रीज हो जाएगी. इट मीन के लिए माइनस की 1 हो जाएगी. -6 और -1 दैट इज इक्वल टू -7 कूलम्ब आ जाएगा. तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसमें अगर चार्ज और एक पार्टिकल जो है Q1 और Q2 जो है वो Q के इक्वल आ जाएगा. इट मीन 9.42 मल्टीप्लाई -7 कूलम्ब. 13.4 जो हमारे पास न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन देन दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट. फाइंड द फोर्सेस बिटवीन द सेम चार्जेस देन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट. यहां पर हमें दो फोर्सेस दी हुई हैं. एक फोर्स F1 है और दूसरी फोर्स F2 हमने मालूम करनी है. एक डिस्टेंस R1 है, एक डिस्टेंस R2 है. यहाँ पर फोर्स को हम लोगों ने एफ से डिवाइड किया है. इसको हम लोग F1 का नाम दे सकते हैं 0.1 न्यूटन. डिस्टेंस R1 हमारे पास है 5 सेंटीमीटर. मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे 0.05 मीटर. सिमिलरली 2 सेंटीमीटर R2 है, 2 डिवाइडेड बाय 100 मीटर 0.02 मीटर. दूसरी फोर्स को हम F2 का नाम देंगे. जब भी किसी न्यूमेरिकल के अंदर दो फोर्सेज हो गिवन तो एक फोर्स F1 होगी F2. इसी तरह दो डिस्टेंस हो एक R1 और एक R2. By column class, one is equal to K, Q1, Q2 और R1 square. जबकि दूसरी जो हम फोर्स है उसके लिए फार्मूला लिखेंगे F2 is equal to K, Q1, Q2 और R2 square. हम लोगों ने क्योंकि F2 निकालना है तो हम लोगों को K, Q1, Q2 को निगलेक्ट करना पड़ेगा. हम लोग डिवाइडिंग का अमल करते हैं. यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करते हैं. F2 over F1 is equal to K, Q1, Q2 और R2 square divided by K, Q1, Q2 और R1 square. कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा F2 ओवर F1 इज इक्वल टू आ जाएगा. इसको उठा लेंगे R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे F1 इधर आ जाएगा. F1 की वैल्यू 0.1, R1 0.05 का स्क्वायर, R2 0.02 का स्क्वायर. 0.1 वैसे का वैसे आ जाएगा, 0.05 का स्क्वायर आ जाएगा 0.0025, 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा 0.004. 0.1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.0025 डिवाइडेड बाय 0.004 दैट विल बी इक्वल टू 0.625 न्यूटन. इसका मतलब है जो फोर्स हमारे पास आएगी पाएगी 0.625 न्यूटन. 13.5 जो है उसकी स्टेटमेंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 टू पावर 4 वोल्ट.
If a charge of 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what will be the amount of work done in it? हम लोगों को पोटेंशियल दे दिया हुआ है चार्ज की 100 माइक्रोकूलम है 1 माइक्रोकूलम टाइम के बाद 6 कूलम के इक्वल है और वर्क हमने मालूम करना है फार्मूला है v = wq क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे w = qv q की वैल्यू है 100 मल्टीप्लाई 6 v है 10 टू द पावर 4 इसकी पावर को इकट्ठा करेंगे 10 टू द पावर 4 और 100 को 10 टू द पावर प्लस 6 बन जाएगा और माइनस 6 को 10 को 10 पावर 6 माइनस 6 लिखेंगे 10 टू द पावर 0 जो होता है वो 1 का होके इक्वल होता है। अब तक हम लोगों ने ये तीन न्यूमेरिकल्स किए हैं 13.3 13.4 और 13.5। उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हमारी न्यू वीडियोज हासिल करने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन के बटन को आप दबाते रहें। थैंक यू वेरी मच।